मूल रूप से चीन में पाया जाने वाला एक पौधा अब देश में सफलता पूर्वक तैयार किया जा रहा है। ये पौधा इसलिए खास है क्योंकि इसके फल से मिठास का एक बढ़िया विकल्प तैयार किया जाता है, जो कि खासकर मधुमेह के मरीजों के लिए लाभदायक माना जाता है। चीन में पैदा होने वाले मॉन्क फ्रूट के पौधे को देश में पहली बार उगाने का काम किया है, जो कि चीनी के मुकाबले करीब 300 गुना अधिक मीठा होता है। मूल रूप से चीन में पाया जाने वाला एक पौधा अब देश में सफलता पूर्वक तैयार किया जा रहा है। ये पौधा इसलिए खास है क्योंकि इसके फल से मिठास का एक बढ़िया विकल्प तैयार किया जाता है, जो कि खासकर शुगर के मरीजों के लिए लाभदायक माना जाता है। चीन में पैदा होने वाले मॉन्क फ्रूट के पौधे को देश में पहली बार उगाने का काम किया है। CSIR संस्थान पालमपुर ने और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स द्वारा मंजूरी मिलने के बाद पौधे को बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। गौर रहे कि कुछ वर्ष पूर्व CSIR IHBT पालमपुर ने मधुमेह के रोगियों के लिए स्टीविया के रूप में मीठे का विकल्प तैयार किया था, जिसके परिणाम प्रोत्साहनजनक रहे और स्टीविया बेहद पसंद किया जाता है। अब CSIR ने मॉन्क फ्रूट को सफलता पूर्वक उगाने के बाद इसके फल से मिलने वाले मोग्रोसाइट तत्व से मिठास का नया विकल्प तैयार किया है, जो कि चीनी के मुकाबले करीब 300 गुना अधिक मीठा होता है। बेहन जानकारी के अनुसार जहां स्टीविया थोड़ी कड़वाहट होती है, मॉन्क फ्रूट का स्वाद अधिक मिठास भरा होता है। CSIR IHBT पालमपुर के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि CSIR ने मॉक फ्रूट पौधे को तैयार करने में सफलता हासिल की है। इस फल से स्टीविया की तर्ज पर मिठास का विकल्प तैयार किया जाएगा, जो कि विशेषकर डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभदायक होगा। इसे अगले साल जारी करने पर काम किया जा रहा है। वहीं किसानों के पास आय का दूसरा साधन होगा और हमें उम्मीद है कि जो किसानों की आय प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए होती है, इस फसल से वे आय 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। आपको पता है मीठा सबको पसंद है। इस समय जो मीठे का जो स्रोत है जो हम सब कंज्यूम करते हैं वो है चीनी, लेकिन चीनी के साथ दिक्कत है कि ये एक तो वजन बढ़ाती है और दूसरा जो डायबिटिक्स हैं या जो शुगर के मरीज हैं उनको चीनी खाने में दिक्कत होती है और उनको चीनी से परहेज़ करना पड़ता है। तो हमने चीनी को और मिठास की कमी को डायबिटिक्स के लिए और वेट वॉचर्स के लिए हमने ये प्रयास किया कि उनको कुछ ऑल्टरनेटिव दें जिससे कि चीनी का उनको विकल्प मिल सके। आपको ध्यान होगा पहले हमने देश में स्टीविया के ऊपर पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी, जिसके अंदर हम किसान भाइयों को बताते थे कि स्टीविया उगाया कैसे जाता है, उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है। और आपको जान के खुशी भी होगी कि कई इलाकों में और कई सौ एकड़ में इस समय स्टीविया की खेती की जा रही है और इसकी प्रोसेसिंग की तैयारी। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।